मैंने यहाँ से टेलीग्राम हॉट वॉलेट को ओपन कर लिया है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल बैलेंस $10.93 है हमारे पास। इसको ऊपर की तरफ स्लाइड कीजिएगा। स्लाइड करने पर जो मेरा बैलेंस है वो बीएनबी में है, बीएनबी में है 0.0191। ठीक है, बीएनबी को कैसे विथड्रा करना है ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो एग्जाम्पल के साथ बनाया हुआ है, वह वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आप लोग पूछ रहे थे कि यहां से यूएसडीटी को कैसे विथड्रा करें। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास यूएसडीटी नहीं है, तो उसके लिए मुझे स्वैप्स करना पड़ेगा। नीचे लिखा है स्वैप्स, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद कुछ ऐसा आपको शो कर देगा। ठीक है, राइट साइड में यहाँ पे एक नियर का साइन बना हुआ है, नियर चेन का, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद फिलहाल प्रेजेंट टाइम में जो हॉट वॉलेट है वो 6 चेन को सपोर्ट करता है, टोन, बीएनबी, सोलाना, नियर, ट्रोन, बेस। ठीक है, जो भी आप यहाँ से चेन चूज करेंगे तो उसी में जो भी उस चेन को सपोर्ट करने वाले क्वाइन होंगे वो शो कर देगा। जैसे कि हमने यहाँ पर नियर चूज किया हुआ है, तो अगर आप फ्रॉम में आते हैं, ठीक है, तो जो भी नियर चेन को सपोर्ट करने वाली क्वाइंस हैं वो इस प्रकार से दिख जाएंगी। ठीक है, और जब ये फ्रॉम में आएंगे तो फ्रॉम में भी जो भी नियर चेन को सपोर्ट करती हैं वो यहाँ से दिख जाएंगे। ठीक है, और इसको चूज करके आप स्वैप कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप टोन पे टच करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम में आइएगा, यहाँ पे जो भी टोन को सपोर्ट करने वाली क्वाइंस होंगी इस प्रकार से आपका दिख जाएंगी। ठीक है, और फिर से अगर टू में आते हैं, यानी जिसमें आपको चेंज करना है, फ्रॉम वो होता है जहां से आपको, मतलब जिसको आपको चेंज करना है, और टू वो होता है जिसमें आपको चेंज करना है। अगर टू में आते हैं तो जो भी टोन को सपोर्ट करने वाले क्वाइंस हैं यहाँ पे दिख जाएंगे, इसमें आप टोन को चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास बीएनबी है, तो हमने बीएनबी पे टच किया। ठीक है, हम फिर फ्रॉम में आते हैं, यहाँ से हम जो भी हमारे पास बैलेंस है बीएनबी उससे हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से बीएनबी को चूज कर लिया। फिर यहाँ पे टू है, यानी हमें यूएस डीटी में चेंज करना है, तो टू पे आना पड़ेगा। हमने टू पे टच किया, जो भी बीएनबी को सपोर्ट करने वाले क्वाइंस है वो इस प्रकार से आपको दिख गई हैं। यहाँ पे है यूएस डीटी, इस पे हम टच करते हैं, यह चूज हो गया। यहाँ पे जो मेरा बैलेंस शो कर रहा है वो है 0.0171 बीएनबी अवेलेबल। आपने शुरू में देखा होगा कि वहां पे 0.0191 बैलेंस था, वो क्यों यहाँ पे शो कर रहा है। नीचे लिखा है कि यू नीड टू कीप 0.002 बीएनबी ऑन योर बैलेंस। जो मेरा बीएनबी बैलेंस है वहां पे, ठीक है, 0.002 बैलेंस रहेगा, उसको काट के ही यहाँ पे बैलेंस शो करेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, पूरा बैलेंस शो नहीं करता, आपके बीएनबी वॉलेट में ये 0.002 ऑटोमेटिक ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैक्स पे टच करते हैं, ठीक, इस प्रकार से, तो जितने भी आपके अवेलेबल बीएनबी होंगे या जो भी आपके पास क्वाइन होंगे वो पूरा का पूरा चूज हो जाएगा। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो मैनुअली भी इस पर टच करके यहाँ से मैनुअली भी आप कर सकते हैं। देख लीजिए, मैंने 0.01 बीएनबी चूज किया हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि एस्टिमेटेड रिसीव, मुझे रिसीव होगा $5.73। प्राइस बीएनबी का यहाँ पे जो चल रहा है, एक बीएनबी का प्रेजेंट टाइम में लगभग $574 है। यहाँ पे मैक्स नेटवर्क फी, जो यहाँ पर नेटवर्क फी होगा वो 0.0003 यानी लगभग $0.17 होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो हम यहाँ से मैक्स पे टच कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूरा का पूरा चूज हो गया। रिव्यू पे हम टच करते हैं इस प्रकार से, तो आप रिव्यू देख लीजिएगा कि कहाँ से यह स्वैप होगा। तो यहाँ पर जो प्रोवाइडर है वो पैनकेक स्वैप है, स्वैप फ्रॉम इतना, फिर इतना रेट किया है, नेटवर्क फी क्या है, प्राइस इम्पैक्ट किया है, और यहाँ पे स्लिपेज क्या है।
ठीक है, देखने के बाद नीचे लिखा है स्वैप, इस पर टच कीजिएगा। इस प्रकार से टच करने के बाद यहाँ पे अप्रूव टू टोकन चल रहा है। ठीक है, हम लोग वेट कर लेते हैं कि कब तक यह होता है। 10-12% हो गए हैं। ठीक है, चलिए हम वेट कर लेते हैं। A few moments later, देख लीजिए मैंने यहाँ पे स्वैप कर दिया है। ठीक है, 9.8 USDT मुझे मिले हुए हैं। तो हम डॉन पे टच करते हैं इस प्रकार से। ठीक, फिर हम बैक, यानी बैक आइए या डायरेक्टली होम पे आ जाइए। होम पे आने के बाद इसके ऊपर तब स्लाइड कीजिएगा। अब देख सकते हैं कि USDT में 9.82 है। ठीक है, यहाँ पे 39 करके वहाँ पे शो कर रहा था, वो दूसरी चीज़ है, वो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए USDT में यह चेंज होकर $9.82 आ गया है। तो इसी प्रकार से आपको स्वैप कर लेना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक, और BNB में 0.018 इतने पड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं USDT को कैसे विथड्रॉ करना है। ठीक है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हम USDT पे टच करते हैं इस प्रकार से। टच करने के बाद यहाँ पर डिटेल होगी, जान लीजिएगा। स्वैप करना चाहे तो स्वैप का ऑप्शन है, यहाँ पर सेंड का ऑप्शन है, तो इस सेंड पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ पे है कि इंटर रिसीवर, यहाँ पे वह एड्रेस आप डालिएगा जहाँ पे आपको भेजना है। ठीक है, और जो यह नीचे शो कर रहा है आपका BNB करके, यह वह एड्रेस है जो मैंने हाल फिलहाल में यूज किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप किसी एक्सचेंज पे जैसे कि बिटगेट हुआ, बाइनेंस हुआ, बाइबिट हुआ, या कोई भी फॉरेन कंट्री का एक्सचेंज हो, या कोई भी इंडियन एक्सचेंज है जैसे कि क्वाइन DCX हो गया, तो जहाँ कहीं भी भेजना हो तो वहाँ पे जाके जो भी USDT का वैलेट होगा वहाँ पे जो रिसीव वाला ऑप्शन होगा उस पर टच करके उस एड्रेस को कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अगर आप जैसे कि ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क वहाँ पर भी भेजना है तो वहाँ पर भी आपको USDT में जाके, ठीक है, आपको वहाँ पे जो USDT का रिसीव वाला एड्रेस होगा उसको चूज करके भेज सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली एक्सचेंज पे भेजते हैं, क्योंकि वो अगर हम ये ट्रस्ट वैलेट या मेटामास्क पे भेजते हैं तो फिर से मुझे वहाँ पे एक्सचेंज पे भेजना पड़ेगा, इसलिए मुझे डबल गैस भी लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना एक्सचेंज ओपन कर लेते हैं। देख लीजिए मैंने यहाँ से बिटगेट एक्सचेंज को ओपन किया है। जिस भी एक्सचेंज पर आपका अकाउंट हो उसे ओपन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे हम असेट्स में आ गए। आने के बाद फिर ऊपर लिखा है कि स्पॉट, इस पे आ गए। आने के बाद ठीक है, इस प्रकार से जो भी आपके वैलेट होंगे वो शो हो जाएंगे। अगर शो ना हो तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन होगा, इस पर टच करके जिस भी क्वाइन को सर्च करना है कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे USDT सर्च करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इस USDT पे हम टच करते हैं इस प्रकार से। ठीक, यह ओपन हो गया। फिर यहाँ पे 3 डॉट शो कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, इस पर टच करते हैं। टच करने के बाद मुझे डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट पर मैंने टच किया। टच करने के बाद ठीक है, यहाँ से आपको नेटवर्क चूज कर लेना है। जैसे कि जो हॉट वैलेट है और जो BNB वहाँ पे, सॉरी, जो वहाँ पे डॉलर है वो BNB पे, तो मुझे यहाँ से BNB को ही चूज करना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारे आपको चेन यानी नेटवर्क शो हो जाएंगे। तो जो यह BNB स्मार्ट चेन है यह हम चूज कर लेते हैं। तो हमने इस पर टच किया। अगर आपका इथेरियम का होगा तो आपको यहाँ से इथेरियम चूज करना पड़ेगा। अगर टोन का होगा तो यहाँ से टोन पे चूज करना पड़ेगा। सोलाना का होगा तो सोलाना का, आर्बिट्रम 1 का होगा तो यहाँ से आर्बिट्रम 1 को चूज करना पड़ेगा। तो जिस भी नेटवर्क पे ध्यान रहे, जिस भी नेटवर्क पर आपका USDT हो उस नेटवर्क को आपको यहाँ से चूज करना जरूरी है। ठीक है, मेरा बाइनेंस पे है इसलिए मैंने यहाँ से ये BEP20 चूज किया हुआ है। एड्रेस आ गया, तो इस एड्रेस को हम कॉपी कर लेते हैं। जो भी आपका वहाँ पे एड्रेस हो उससे आप कॉपी कर लीजिएगा। और एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, हर एक्सचेंज पे हर वैलेट का अपना कुछ मिनिमम डिपॉजिट होता है। जैसे कि यहाँ पे जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो 0.001 USDT है। हो सकता है कि अदर एक्सचेंज पे या
जो भी आप अदर वैलेट यूज करें वहाँ पे कुछ अलग हो, तो यह अलग हो सकता है, तो इसको भी एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ से अपना एड्रेस कॉपी कर लिया, अब हम आ जाते हैं अपने हॉट वैलेट पे। हम आगे यहाँ पे जहाँ पे इंटर रिसीवर लिखा है इस पर हम टच करके यह हमने पेस्ट कर दिया, यह आ गया। ठीक है, आने के बाद आपका यहाँ पर नीचे भी शो कर देगा ऊपर वाला ही एड्रेस। ठीक है, यह कंफर्मेशन के लिए होता है, तो आप नीचे जो है इस प्रकार से टच कीजिएगा। जितना आपको डॉलर यहाँ से विथड्रा करना है वो आप कर सकते हैं। नेटवर्क फी नीचे देख लीजिए कि यहाँ पे 0.000035 BNB लगेगा, यानी 0.02 चार्ज यहाँ से लगने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैनुअली डाल लेते हैं, मैक्स पे टच करके आप चाहे तो पूरा चूज कर सकते हैं, या मैं मैनुअली जाके जितना आपको विथड्रा करना है वो आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे यहाँ से $6 विथड्रा करना है, तो मैंने 6 इस प्रकार से डाल दिया। ठीक है, फिर रिव्यू पे टच कीजिएगा। टच करने के बाद ये रिव्यू पूरा आ गया। काफ़ी लोग कह रहे थे कि यहाँ से बैक आ रहा है, आप सामने लाइव देख रहे हैं, कोई भी इशू नहीं आ रहा, कोई भी बैक नहीं आ रहा। फिर इस ट्रांसफर पर टच कीजिएगा। ठीक है, यह ट्रांसफरिंग आपका हो रहा है। ठीक है, हम लोग वेट कर लेते हैं कि कब तक यह ट्रांसफर होता है। A few moments later, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिख दिया कि यू हैव ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली 6 USDT। हमने 6 USDT सक्सेसफुली ट्रांसफर कर लिया है। डन पे टच कीजिएगा। टच करने के बाद फिर से आप अपने होम स्क्रीन पे इस प्रकार से आ जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे अब जो USDT है हमारे पास 3.82 बच गया है, और जो BNB है वो $1.03 बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग वेट कर लेते हैं कि कब तक यह हमारे BitGet एक्सचेंज पे जाता है। ओह यार, देख लीजिए मैंने यहाँ से अपना BitGet एक्सचेंज ओपन कर लिया है, और जो उसका वैलेट है यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर डॉलर में 6.002 इतना डॉलर आ गया है, जो कि मैंने हॉट वैलेट से विथड्रा किया था। यह विथड्रा करने का लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर यह यहाँ पे आ गया। आप क्लियरली लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप हॉट वैलेट से, ठीक है, USDT को या किसी भी क्वाइन को आप अपने किसी दूसरे एक्सचेंज या दूसरे वैलेट पर ट्रांसफर कर पाएंगे। इस डॉलर को यहाँ से बैंक में विथड्रा करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो आपका बैलेंस है वो स्पॉट वैलेट में है, ठीक, उसके लिए आपको फंडिंग वैलेट में भेजना पड़ेगा। लेफ्ट की तरफ इसको स्लाइड करेंगे ऊपर इस प्रकार से, तो यहाँ पे फंडिंग का एक ऑप्शन है, इस पर टच कीजिएगा। तो टच करने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो USDT है वो 00 शो कर रहा है, तो पहले आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो हम फिर से अपने स्पॉट पे आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है ट्रांसफर, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद आपका यहाँ पे जो फॉर्म है इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ से फंडिंग अकाउंट को चूज कीजिएगा। ठीक है, तो आपको स्पॉट से फंडिंग में भेजना है, तो यहाँ पे एक साइन बना है, इस पर टच करने पे यह उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी डॉलर है ये पूरा शो कर दिया है, तो आपको इसको जितना भी विथड्रा करना है इसको इधर उधर करके आप चूज कर सकते हैं, या इस पर टच करके मैनुअली भी आप चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ कन्फर्म पर टच कीजिएगा इस प्रकार से। ठीक, अब यह फंडिंग वैलेट में चला गया। चलिए हम फंडिंग वैलेट को यहाँ से ओपन करते हैं इस प्रकार से। देखें यहाँ पर USDT फंडिंग वैलेट में आ गया। ठीक है, तो इस फंडिंग वैलेट पे टच करने पे यहाँ से आप P2P के माध्यम से सेल कर पाएंगे। YouTube पे बहुत सारे वीडियोस पड़ी होंगे कि P2P पे कैसे बाय सेल करना है, वो आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। देखें यहाँ पे यह P2P ऑप्शन हो गया। फिलहाल आप जो भी एक्सचेंज है, ठीक है, स्पेशली जो फॉरेन कंट्री वाले एक्सचेंज है वहाँ पे आप P2P के माध्यम से ही बाय सेल कर पाएंगे। यानी कुछ डिपॉजिट करना हो डॉलर तो आप P2P के माध्यम से, और अपना डॉलर बेचना है तो वह भी P2P के माध्यम से होगा। अगर आप इंडियन एक्सचेंज पे भेजते हैं तो वहाँ से आप चेंज करके अपने बैंक अकाउंट में विथड्रा कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेल का ऑप्शन है, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद, ठीक है,
इस प्रकार से इतने सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। कौन कितने पे बाई करना चाहता है उसका यहाँ पे यह शो कर दिया है, क्वांटिटी भी शो कर दिया है, ठीक है, इस प्रकार से कि कौन कितना क्वांटिटी बाई करना चाहता है। तो जो भी यहाँ पर रेट भी चल रहा है कि डॉलर का क्या रेट है प्रेजेंट टाइम में, तो आप अपने डॉलर के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना डॉलर आप विड्रॉ करना चाहते हैं उसमें से किसमें यह एलिजिबिलिटी मिलती है। जैसे कि यहाँ पर क्वांटिटी है 460, लिमिट है 10,000 से लेकर 40,000 के बीच में, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिलहाल आप P2P यूज़ करने से पहले YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके अच्छे से जानकारी ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि P2P यूज़ करने के बाद काफ़ी लोगों का अकाउंट साइबर फ्रॉड होने की वजह से फ्रीज भी गवर्नमेंट के द्वारा या जो साइबर पुलिस है उसके द्वारा किया जा रहा है। तो एक बार पूर्ण रूप से जानकारी लेने के बाद ही आप P2P यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज इस डॉलर को आप किसी इंडियन एक्सचेंज पे आप भेज के वहाँ से अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं, या होल्ड करना चाहें तो कोई भी करेंसी आप यहाँ से बाई करके होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं कि हॉट वैलेट से कैसे आपको यहाँ पे अपने फंड को भेजना है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहें तो वीडियो का कमेंट ऑप्शन का कमेंट कर सकते हैं। वीडियो और जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जो प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।